हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कोमल कोकलानी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर, दैट इज फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजन. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टडी हाउ वी कैन यूज सम ऑफ द एडजेक्टिव्स. इन द प्रीवियस टू पार्ट्स वी हैड डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो इन दिस पार्ट वी विल स्टडी सम एडजेक्टिव्स एंड देयर यूजेस. फर्स्टली यू हैव टू कम ऑन पेज नंबर 25. Page number 25, English, fun with grammar, page number 25. So, as you can see, use of many and much. Firstly, we will study use of many and use of much. Students, firstly you need to understand that many is used with countable nouns. Countable nouns, kaun si kaun hoti hai? Nouns which we can count, things which we can count, like benches, chairs, tables, fans, books, chalks, है ना. बट वाइल टॉकिंग अबाउट मिल्क, शुगर, टी, कॉफी, वी कांट काउंट दीज नाउन, है ना. और गोल्ड, सिल्वर, दीज आर द नाउन्स विच वी कांट काउंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन्स, सो वी विल यूज मैनी एट दैट प्लेस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, वी विल यूज मच एट दैट प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज मेनी dresses, okay. And while we talk about uncountable noun, she, Ram, has much water in her glass. So in these two examples, she has many dresses, है ना. उसके पास बहुत सारे dresses हैं, क्योंकि यहाँ many से एग्जाम्पल क्या है, थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ है. देन हम जब दो लीटर की बात करते हैं तो पूरे होल की बात करते हैं, ठीक है. तो हमने तीन एग्जाम्पल देखे मिल्क इन द पैन के. तो सबसे पहले है शी हैज लिटिल मिल्क इन द पैन, ठीक है. मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो लिटिल यूज होगा. फिर मैंने बोला थोड़ा सा, तो शी हैज
सम लिटिल मिल्क शी हैज अ लिटिल मिल्क इन द पैन. तो यहाँ अ लिटिल किसके लिए यूज हो रहा है, थोड़े से मिल्क, है ना. और लास्ट में शी हैज द लिटिल मिल्क इन द पैन, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास होल मिल्क है. ठीक है, तो अ लिटिल लिटिल मिल्क मतलब उसके पास टी के साथ साथ क्या है, मिल्क भी है. तो यहाँ पूरी क्वांटिटी मैंने डिस्क्राइब कर दी है ना. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यूजेस की तरफ. नेक्स्ट फ्यू ऑफ यू एंड द फ्यू. फ्यू कब यूज होता है स्टूडेंट्स, जब हम काउंटेबल नाउंस की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं, काउंटेबल नाउंस की. लेकिन वो काउंटेबल नाउंस जो होते हैं वो नल मतलब ना के बराबर होने चाहिए. ठीक है, तब होता है फ्यू यूज. देन हम बात करते हैं ऑफ यू. ऑफ यू का यूज होता है जब क्वांटिटी थोड़ी सी हो लेकिन ज्यादा ना हो. क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी हो लेकिन फ्यू से ज्यादा, मतलब नन से थोड़ी ज्यादा, ना के बराबर से ज्यादा. देन द फ्यू का यूज होता है जब हम थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी की बात करते हैं पर पूरी नहीं, थोड़ी ज्यादा बट पूरी नहीं. तो इस तरह से यूज होता है फ्यू ऑफ यू द फ्यू. जैसे मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स जब हम किसी की
रीना को और एल्डेस्ट बोला मैंने, तो रीना इज एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो मैंने यहाँ रीना को उसके सेम नेचर के लोगों के साथ कंपेयर किया, लेकिन वो कौन है उसकी फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, नियरेस्ट हमेशा क्या बताता है, डिस्टेंस को, और नेक्स्ट जो है वो बताता है पोजिशन को, है ना। नियरेस्ट हमेशा डिस्टेंस को बताता है और नेक्स्ट हमेशा क्या बताता है, पोजिशन को। जैसे मैंने बोला माई होम इज नियरेस्ट टू माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नियरेस्ट जो है वो क्या हुआ, उसने डिस्टेंस को डिनोट किया कि मेरा घर मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर से पास में है, तो यहाँ पे नियरेस्ट क्या हुआ, मेरे घर से, मैंने उसका डिस्टेंस बताया, तो नियरेस्ट हमेशा डिस्टेंस ही डिनोट होता है। और पोजिशन, माई बेस्ट फ्रेंड इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो यहाँ मैंने क्या बोला, पोजिशन बदल है कि वो मेरे से नेक्स्ट यानी मेरे से जस्ट पास में सिटिंग यानी बैठी हुई है। तो मैंने दो चीजें बताई, नियरेस्ट मतलब पोजिशन को डिनोट करने के लिए, डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए, और नेक्स्ट मतलब पोजिशन को डिनोट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एज एंड एज। व्हेन वी टॉक अबाउट एज एज और सो एंड एज, एज और एज जो है हमेशा यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, लाइक शी इज एज प्रिटी एज द मून, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसको कंपेयर किया है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये एज हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ यूज होगा, लाइक शी इज एज लेजी एज द पांडा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, उसको कंपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट है सो एंड एज, और पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने उसको कंपेयर किया है, सो एंड एज हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर कंपेयर होता है, लाइक शी इज नॉट सो लेजी एज यू थिंक, वो इतनी भी लेजी नहीं है जितना तुम सोचते हो, ठीक है, तो शी इज सो ले, शी इज नॉट सो लेजी एज यू थिंक, नॉट आ गया, जहां नॉट आ गया वो नेगेटिव सेंटेंस है, तो सो और एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और, और हमेशा कैसे यूज किया जाता है, और कंपैरिजन में यूज किया जाता है, ठीक है, और को हमेशा हम कंपैरिजन में यूज करते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम टू से, जैसे